वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परिंदों की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस यहां पे आप देख सकते हैं मेरे हाथों में ये ब्लू मोंक है और ये ब्लू मोंक काफी ज्यादा अच्छा लगता है देखने में भी और बहुत सारे इसका मोंक का वैरायटी होता है। तो मैं मोंक के बारे में आज बात करने वाला हूँ कि ये देखिए कितना अच्छा प्लेफुल होता है और ये मेरा पूरा का पूरा फुल टेम बर्ड है। तो आप लोग भी इसे टेम कर सकते हो और रख सकते अपने घरों में भी आराम से, ये बहुत ही अच्छा देखने वाला लगता है। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहे, बहुत ही मजा आने वाला और आज का वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं मोंग पैरोट के बारे में यहाँ पे बात करने वाला हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड कि मेरा एक मोंग पैरोट बर्ड है जो पूरा का पूरा फुल टेम है क्योंकि मैंने इसे बच्चे से आप लोगों को शेयर किया था, दिखाया था कि कितना छोटा था तो मैंने हैंड फिट करके इसे रखा हुआ। तो आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा ये मेरा फुल टेम है। तो पहले मैं इसे लॉक कर देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे भी एक मेरा मोंग पैरोट है, ये देख सकते हैं कि कितना अच्छा ये मोंग पैरोट है। तो मोंग पैरोट जो होता है, आज मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि मोंग पैरोट किस तरह से ब्रीडिंग करते हैं, उसका ब्रीडिंग एज क्या होता है। ये देखिए फ्रेंड कि कितना ज़्यादा ये खुश है। मेरा जो मोंग पैरोट है वो काफ़ी अच्छा है, वो एक्टिव है, पूरा प्लेफुल बर्ड है। आप इसे हैंड टेम के लिए रख सकते हैं। तो मोंग पैरोट जो होते हैं वो थोड़ा टॉकिंग भी करते हैं और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड कि मेरा जो है यहाँ पे ब्रीडिंग पेयर है मोंग पैरोट का। तो मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगा बॉक्स चेक करके कि किसमें क्या अंडे है, बच्चे क्या है। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेल फीमेल बाहर निकल चुके हैं और यहाँ पे जो मैंने अभी देखा तो आप देख सकते हैं फ्रेंड कि ये देख सकते हैं कि 2-4-5 अंडे, ये अंडे लग देखते हैं कि कब उठेगा क्योंकि मोंग पैरोट का जो ब्रीडिंग होता है वो गर्मियों में होता है। तो आप देख सकते हैं कि नेस्टिंग वो लोग किस तरह से करते हैं क्योंकि मैंने झाड़ू के जो टिंके वो इसके केज के अंदर रख दिए थे और ये मेरा मेल और फीमेल है। तो केज के अंदर आप झाड़ू के टिंके रख दे, वो बॉक्स में ले जाकर भी अंडे बच्चे कर देते हैं। तो मैंने शुरू शुरू जब मोंग पैरोट लाया तो बहुत सारे भाई जो बोलते थे कि मोंग पैरोट जो बॉक्स के अंदर ब्रीडिंग नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब से मेरा ये खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब से मैंने मोंग पैरोट रखा है वो बॉक्स के अंदर भी अंडे बच्चे करते हैं, लेकिन बॉक्स के बाहर जो वो आप लोग देखेंगे कि वो लोग खुद से नेस्टिंग बनाकर अंडे बच्चे करना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं गाइस कि ये ठंड के मौसम में अंडे बच्चे नहीं करते क्योंकि मेरा यह खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने पूरा मल्टी विटामिन ब्रीडिंग फार्मूला यूज़ किया लेकिन ठंडे में ये लोग अंडे बच्चे नहीं किए। लेकिन जैसे ही गर्मी आते हैं, गर्मियों में जब सारे बर्ड्स रेस्ट करते हैं तो मोंग पैरोट अपना ब्रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये गर्मियों में ब्रीडिंग करने वाला बर्ड है। इसकी एज की बात करूँ तो ये 2 साल में ये ब्रीडिंग के लिए रेडी हो जाते हैं और इसका मेल और फीमेल आप लोग बिल्कुल भी नहीं पहचान पाएंगे क्योंकि ये देखने में सेम टू सेम एक जैसे लगते। तो इसलिए मेल और फीमेल का आपका आसान तरीका पहचानने का तो DNA कराना होगा। तो यहाँ पे DNA के जरिए आप लोग पहचान पाएंगे कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। लोग नेस्टिंग करना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और ये केज में भी ब्रीडिंग करते हैं और कॉलोनी में भी ब्रीडिंग कर सकते हैं। जिस तरह हम लोग बजट से ब्रीडिंग लेते हैं कॉलोनी में, जावा से ब्रीडिंग लेते हैं कॉलोनी में, तो उसी तरह मोंग पैरोट भी ब्रीडिंग करते हैं कॉलोनी में। एक साथ रहना काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करते हैं लेकिन इसका स्पेस जो है थोड़ा बड़ा दे ताकि वो आसानी से एक साथ रह सके और नेस्टिंग मटेरियल जो है इसे खास कर पसंद होता है खुद से नेस्टिंग करना। तो आप नेस्टिंग मटेरियल में आप इसे दे सकते हैं जो झाड़ू का टिंका होता है उसे आप छोटे छोटे टुकड़ों में काट दें और काट कर इसके केज के अंदर या आप कॉलोनी में रखें तो कॉलोनी के अंदर को इसे रख दें। तो ये देखेंगे कि खुद ब खुद ये नेस्टिंग जो है वो करने लगेंगे और अपना घोंसला बनाकर वो अंडा बच्चा करना स्टार्ट कर देंगे। तो आप इस तरह से इससे ब्रीडिंग ले सकते हैं, काफ़ी आसान ब्रीडिंग और ये काफ़ी प्लेफुल होता है। तो आप इसे खाने में क्या दे सकते हैं, जिस तरह हम लोग सनकुनूर या कोई सा भी पैरोट को खाने में देते हैं तो उसी तरह ये भी पैरोट उसी तरह खाते हैं। तो ये सनकुनूर के लगभग ये साइज के होते हैं और मैं आप लोगों को बता दूं कि इसे खाने में चना जिस तरह हम लोग बॉईल करके देते हैं उसी तरह आप दे सकते हैं चना हुआ, या फिर गर्मी के दिनों में आप चना इसे रात भर भिगो कर सुबह में पानी में से निकाल कर इसे प्रोवाइड कर सकते हैं और जिस तरह फ्रूट वेजिटेबल्स ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा जो है सीड्स खाना पसंद करते हैं। तो ये सीड्स काफ़ी सनफ्लावर जो सीड्स होते हैं वो काफ़ी शौक से खाते हैं। तो ये सब आप खिला सकते हैं, ये अपने जो बच्चे को भी काफ़ी अच्छे से पालती है। तो आप इसे आसानी से ब्रीड ले सकते हैं लेकिन नेस्टिंग मटेरियल बहुत ही अहम रोल करता है इसके ब्रीडिंग के लिए। तो फाइनली गाइस की उम्मीद है कि आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में जरूर शेयर करें। मैं फिर हाजिर रहूँगा एक नए टॉपिक एक नए वीडियो का। जब तक अपने और अपने बर्ड्स का खूब अच्छे से केयर करें और मुझे दुआओं में जरूर याद रख के चलता हूँ। अल्लाह हाफिज़।